मेहमान साथियों, मेहमानों, स्टाफ मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा जी, आज का दिन बहुत ही प्यारा है। आज का कौन सा दिन है बच्चों? आज के दिन को इकबाल डे भी कहते हैं। आज के दिन को इकबाल कौन थे? इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और हमारे मुल्क के कौमी हीरो हैं। आज से ठीक 144 साल पहले श्यामकोट में शेख नूर मोहम्मद साहब के घर में पैदा हुए थे। उसके बाद ये है कि वो बहुत बड़े शायर थे। सिर्फ वो शायर मशरक भी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के शायर थे। तो उनकी खिदमत में शेर अर्ज करना चाहूँगा, उनका मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदू में तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहजनों के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। आपकी पैदाइश एक मजली घराने में हुई। डॉक्टर साहब को हकीमत उम्मत भी कहा जाता है। हकीमत उम्मत इसलिए कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो गुलामी की बीमारी थी उनको अच्छी तरह से वो समझते थे। उन्हें पता था कि उनके मसाइल क्या हैं, मुआशरती, मजहबी, शरीयत के लापरवाही के मसाइल जो भी, वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उनको हकीमत उम्मत भी कहा जाता है। उनके पास हम मुसलमानों की जबर हाली का इलाज भी था, इसलिए उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को एक मंजिल दिखाई। इसलिए आपको मुसव्वर पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप सब हिंदुस्तान के मुसलमानों के रूहानी पेशवा ही नहीं थे, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के आप रूहानी पेशवा थे। आपने मुसलमानों को खुदी और खुददारी का दर्श दिया। आपने बेशुमार नज़में लिखी मुसलमानों को ख्वाब गलत से जगाने के लिए, जिनमें उर्दू, इंग्लिश और ख़ास तौर पर फारसी जबान में उनकी किताबें लिखी गई हैं, अशआर हैं। गुलामी में नकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजारों साल लड़के सपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। डॉक्टर साहब ने बेशुमार किताबें लिखी हैं उर्दू, अंग्रेजी और फारसी जबान में। चंद मशहूर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कब कब लिखी गई और कौन कौन सी। आपने एक सबसे मशहूर किताब लिखी है बांगे दरा, उसका मानी किसको आता है? बांगे दरा किसको बोलते हैं? इसका मानी है घंटी की आवाज़। एक मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर सोया पड़ा है तो उसको घंटी की आवाज़ जगाती है कि आपकी ट्रेन या मंजिल आ गई, आप जा रहे। तो बांगे दरा का मानी है घंटी की आवाज़। ये 1924 में लिखी गई थी। बाल जिब्रील यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर, तो ये 1935 में लिखी थी डॉक्टर साहब ने। तो एक जावेद नामा बुक है उनकी, वो 1935 में लिखी। एक जबूर अजम है जो 1927 में लिखी। जबूर वो एक किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। तो ये आपने लिखी थी। पयाम मशरक आपने जंग अज़ीम अबल के बाद लिखी थी, जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल पज़ीर हुआ था 1922 में। ज़र्ब करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे लिखी, जो उनका आसार था, इसलिए उनको ज़र्ब करीम कलीमुल्लाह के नाम से कहा जाता है। तो एक किताब इल्म अल इक्तिसाद है, 1930 में लिखी थी, जिसका मतलब है कि मुसलमानों को मकसद का भी थोड़ा सा पता हो, इकनॉमिक्स का। रमूज बेखुदी 1917 में लिखी, अपनी ज़ात से बढ़कर होकर किसी और के बारे में सोचना, इसका मतलब ये है। रमूज बेखुदी के बाद उन्होंने अर मगान हजा 1938 में आखिरी किताब लिखी थी। ये आपने जब सऊदी अरब में जाकर
खाना काबा का तवाफ किया था और मदीना शरीफ की ज़ियारत की थी, उस मौके पर लिखी थी। आपकी मशहूर मशहूर नज़में भी हैं जिनमें शिकवा, जवाब शिकवा, एक आरज़ू, बच्चे की दुआ, तकवे इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, परिंदे की फरियाद, किजरे रहा, एक गाय और बकरी, मकड़ा और मक्खी, साकी नामा, मुसाफिर, मजलिस करतबा, तालिब इल्म और एक पहाड़ और कुलहरी खास तौर पर मशहूर है। मज़े सामने इकबाल की शायरी अपने अंदर इतनी वसत रखती है कि ख़ास से ख़ास आदमी भी और आम से आम आदमी भी आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो आपको सही मानों में हकीमत उम्मत समझता है। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े इंसान को, हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े इंसान को, अख़ुवत का दिया हो जा, मोहब्बत की ज़बा हो जा। आप जवानों से फरमाते हैं, जवानों को मेरी अह सहर दे, जवानों को मेरी अह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आर्मी मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत काम कर दे। इकबाल को पढ़ना और इकबाल को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इकबाल को जो सिर्फ पढ़ता है उसको उनकी अहमियत का अंदाज़ा कम होता है, जो उनको समझ के पढ़ता है उनको पता चलता है कि इकबाल की अहमियत क्या है। इकबाल का मतलब कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी है, यानी जो भी उनके अशार को पढ़ेगा वो कुरान और सुन्नत और फिका के करीब जाएगा। इसलिए इकबाल की शायरी को गौर व खौफ से पढ़ने की शदीद ज़रूरत है। एक खूबसूरत शेर है, एक गैरतमंद शख्स के लिए जिसको वो कलंदर बोलते हैं, यानी खुददार शख्स को वो अपनी ज़बान में कलंदर बोलते हैं। हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे हुए टूटे भी तारा को जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार शब्द कोई नहीं है, वो सहन की जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इस शहर में आपकी फिसल कर नहीं गिरता। आप रहमतुल्लाह अल्लाह की दास से एक तनाह रफत थी और आप बहुत ज़्यादा मुफ्ती किस्म के इंसान थे। आपने पूरी ज़िंदगी दरवेशी में गुजारी। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। दुआ तो दिल से मांगी जाती है जबां से नहीं, दुआ तो दिल से मांगी जाती है जबां से नहीं, कबूल तो उसकी भी होती है जबकि जबान नहीं होती। अलामत बात अल्लाह ताला की मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किस कदर है, उसको एक शेर में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला को अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत है। वो दो लाइनों में उस मोहब्बत को बयान करते हैं, जनून इश्क से तो खुदा भी ना कर सका इकबाल, जनून इश्क से तो खुदा भी ना कर सका इकबाल, तारीफ़ हुस्न याद में सारा कुरान लिख दिया। डॉक्टर को यकीन पसंदा हासिल की आपने कितनी मोहब्बत रुकावियत के साथ मशरकी दुनिया के मसले, मुसलमानों के मसाइल मगरबी दुनिया के सामने बड़ी काबिलियत के साथ पेश किया और उनको बताया कि मुसलमानों के क्या मसाइल हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने बताया था कि हमारे मुसलमानों के मुआशरती मजहबी मुआशी मसाइल क्या है। वो मजस्त ज़माने में मुसलमान होकर, वो मजस्त ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारे के पूरा होगा, यानी हमारे बुजुर्ग मस्जिद के सहाबा कराम बड़े बड़े लोग वो कुरान के करीब थे, इस्लामी शरीयत के करीब थे, और हम आज के मुसलमान तबक हो गए, ख्वार हो गए, हमने तारे के कुरान यानी कुरान को तर्क कर दिया, हमने कुरान मजीद को तर्क कर दिया, इसलिए कुरान मजीद के और हदीस मुबारक के करीब रहना चाहिए। डॉक्टर हजूर की खिदमत में एक हदिया अशआर पेश करते हैं, आप सच्चे आशिक रसूल की थे। आप फरमाते हैं, लिखना नहीं आता मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता मेरी जान पढ़ा कर, तो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले चेहरों पे लिखे दर्द के उनवान पढ़ा कर, लागै यानी बेशक तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तो सरवरे को न तो फरमान पढ़ाता। डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी जब वो फिरका प्रस्ती देखते थे, जात पात देखते थे, तो वो फरमाते हैं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो,
बताओ तो मुसलमान भी हो। डॉक्टर साहब अपनी नई नस्ल के जवानों से बहुत ज्यादा पुर उम्मीद थे और फरमाते थे, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथ में। खोला जमीन देख फलक देख फजा देख, खोला जमीन देख फलक देख फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जलाते हैं। दियार इश्क में अपना मकान पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकान पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। 1930 में आपने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की नुमाइंदगी करते हुए आलाबाद के मकान पर जलसे में एक अलग वतन का तसव्वुर पेश किया, इसलिए आपको मुसव्वर पाकिस्तान भी कहा गया। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सनात नकर आला में रंग भू पर चमन और भी है, आशियां और भी है, तू शाही है परवाज काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, इसी शब रोज में उलझ कर न रह जा, तेरे जमाने मकां और भी है। आपकी तमाम तर शहरी हकीकत में खान वजीर की तफसीर थी, कहा जाता है आपका कलाम 70% फारसी में है और 30% उर्दू जबान में, इसलिए आप बेरंग वक्त ईरान और पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। आप नबी अकरम सल्लम की जात को खातमुन नबीयीन समझते हैं और फरमाते हैं आपके बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा ना ही कोई उम्मत आएगी। खुदाना सबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, खुदाना सबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, तुम्हारे राह को बख्शा फरोग वादिए सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही पढ़ा। आपका पैगाम 90 से 100 साल गुजर जाने के बाद भी वैसा का वैसा ताजा है। हर मर्द और खवातीन बड़े बूढ़े और बच्चे सारों के लिए रहनुमाई रखता है और किसी न किसी शहर में हर शख्स को उनके दर्द का इलाज मिल ही जाता है। आप फरमाते हैं ज़मीर जाग ही जाता है, ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, इकबाल में इधर होगा खुशकिस्मती। ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले कभी गुनाह के बाद। आप फरमाते हैं सिर्फ ज़बानी कलामी बातें करने से कुछ नहीं होगा, अमली तौर पर हमें कुछ करना चाहिए। उसमें फरमाते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी अगले जहान जब बंदा जाएगा तो उसके अमाल ही उसको ले जाएंगे जन्नत में या दोज़ख में। इस जिस्म का वैसे कोई डॉक्टर साहब की सिर्फ एक छुट्टी दे देने से मसला हल नहीं होगा, हमें अपने कवानीन में इसम्बलियों में निसाबों में हर जगह पे डॉक्टर साहब के पैगाम को फैलाना चाहिए और उन पर अमल भी कराना चाहिए। इस दुनिया में दो किस्म के मुसलमान होते हैं, एक मतलब परस्त एक होते हैं दूसरों के लिए जीने वाले। मतलब परस्त सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं उनमें मशहूर मशहूर कैद आजम मोहम्मद रिजन अक्सर है, डॉक्टर अलाउद्दीन मोहम्मद इकबाल साहब हैं, उनके बाद अब्दुल सात ईदी साहब हैं और हमारे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, जिसकी वजह से दुश्मन हमें मैदान नहीं दे सकता। आप फरमाते हैं कुवत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुवत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिर में डॉक्टर साहब अपने असला अबाव अजदाद के अकदार सकाफतों को नई नस्ल में फैलाने के लिए फरमाते हैं कि हम लोगों ने अगर अपने अकदार की सकाफतों को भुला दिया तो हमारा हशर बहुत बुरा होगा। तो वह फरमाते हैं गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाया, गवादी हमने जो असलाफ यानी अबाव अजदाद से मीरास यानी विरासत पाई थी, जो भी हमें मिले थे चीज़ें गवा दी वो हमने गवा दी है। इसी वजह से सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा,
सुरैया बोलते हैं आसमान पर सितारों का झुंड जन्नती समझ में, तो हमें निकाल के नीचे फेंका दिया। गवा दी हमने असलाब से निराश जो पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वजह सामीन, मैंने डॉक्टर साहब की जिंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तुम्हारा अलैना इल्ला अल्लाहुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।